और काशी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर का दूसरा चरण भी अब पूरा होने की ओर है। ऐसे में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं को क्या खास सौगात मिलने वाली है, इस रिपोर्ट में देखिए। काशी विश्वनाथ धाम का दूसरा चरण तेजी से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मई के महीने में बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। दिसंबर 2021 में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। पहले चरण में ही पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता को दुनिया ने देखा और अब दूसरे चरण में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में श्रद्धालुओं को और भी सुविधाएं दी जाने वाली है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का प्रथम चरण का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ और उसके पश्चात हमारे जो द्वितीय चरण का काम था वो भी साइमल्टेनियसली चल रहा था और वो काम अब हमारा मई के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। कॉरिडोर निर्माण के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। 3000 वर्ग फुट से बढ़ाकर 5,00,000 वर्ग फुट में बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े घाट पर सीढ़ियों का निर्माण भी तेजी से जारी है। नंबर एक घाट था जो हमारा ललिता जलासेन और मणिकर्णिका घाट का, उनका पूरा का डेवलपमेंट का कार्य। दूसरा था वहाँ पर चूँकि सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची है और करीब करीब 82 सीढ़ी वहाँ पर बन रही है, तो हमारे ऐसे वृद्धजन, हमारे ऐसे दिव्यांगजन और ऐसे लोगों को जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं, उनके लिए एक हम लोग रैम्प बिल्डिंग बना रहे थे। कॉरिडोर की सुंदरता के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के आप ये जो गेट देख रहे हैं जो सीधे ललिता घाट पे यानी कि गंगा से जोड़ता है, यहाँ के घाट का निर्माण, इसके अलावा यहाँ पर जो एस्केलेटर लगाई जा रही है, जो स्वचालित सीढ़ी है वो लगाया जा रहा है, जिससे आसानी से वृद्ध और दिव्यांगजन काशी विश्वनाथ मंदिर तक गंगा घाट से होते पहुँच सके, उसका निर्माण और साथ ही इस घाट का जीर्णोद्धार शामिल है और ये चीज़ें मई महीने तक पूरी कर ली जाएंगी। बीते साल दिसंबर में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ तो वाराणसी के इस शान को देखकर हर शख्स का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और अब कॉरिडोर के दूसरे चरण की झलक ये साफ बता रही है कि बाबा विश्वनाथ का धाम पहले से भी ज्यादा शानदार होने वाला है। ये गेस्ट हाउस है जहाँ पर आसानी से लोग आकर यहाँ पर रुक सकेंगे, साथ ही बगल में मोक्ष भवन है, यानी कि मोक्ष की कामना को लेकर के जो यहाँ पर आएंगे अपने जीवन के अंतिम दिनों के लिए वो यहाँ पर अपनी बुकिंग करा करके रुक सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो काशी विश्वनाथ धाम में पूरी हो गई हैं और मई के महीने में बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम का दूसरा चरण पूरा होते ही इन सारी सुविधाओं को आम जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।